भैया ये क्या करना, ये रस्ते का बुरा हाल है, ये सरकार पता नहीं क्या करती क्या नहीं करती है, ये स्कूल का हाल है, इतने मंदा ही हाल है, इतना बुरा हाल है। चाचे तू कितने चाचे भी जाके कोई सुनाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई बच्चे को बच्चे का क्या हाल है, रस्ते देख रहे ना, कोई मर जाए कोई जिंदा हो है जी, कोई दुआई ले आते हैं सब छाव बना लिया रहा सब कुछ भी नहीं सबका नाम हो ये सारे यार जगह जगह लैंडस्लाइड हुए हैं जिससे स्थानीय लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। यह सड़क जो है वो तकरीबन 5 गांवों को जोड़ती है और हजारों लोग इससे प्रभावित हैं। सीनियर सेकेंडरी स्कूल सलोवा, प्राइमरी स्कूल कनफारा एवं वहाँ की हरजन बस्ती और सभी गांवों को सड़क जो है वो मेन सड़क से जोड़ती है। वहाँ पे जो स्कूल के बच्चे हैं जो इस सड़क से जाते हैं उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, बुज़ुर्गों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, कोई रात को बीमार हो जाए इमरजेंसी हो जाए तो वो लोग मेन सड़क को पहुंचने के लिए उनको बहुत मुश्किल सामना करना पड़ता है जिससे स्थानीय लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और हम सरकार से मांग करते हैं कि इस सड़क को जल्दी से जल्दी बहाल किया जाए जिससे वहाँ के लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। पिछले कुछ महीनों में वहाँ कुछ स्थानीय लोगों जहाँ स्थानीय लोगों के एक्सपायर भी हो चुके हैं क्योंकि कुछ बीमार लोग वहाँ मेन सड़क तो हॉस्पिटल तक पहुँच नहीं सके। अभी कुछ दिनों पहले वहाँ एक लड़की जो है वो सांप के डसने से जो है वो एक्सपायर हो गई, वो मेन सड़क तक वो हॉस्पिटल तक पहुँच नहीं पाई। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है जिसे सरकार को इस ओर देखना चाहिए। सरकार से मांग है कि इस ओर जल्दी ध्यान दें, नहीं तो युवा कांग्रेस धरना प्रदर्शन करेगी जिसकी सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो सरकार की होगी।